भाई एंसलम, वाओ। हाइकिंग से पहले एक छोटा सा वार्म अप, इसके बाद हम जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल खान शिनवारी विलाग से। तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे कि आप लोग का भाई फिर से एक छोटा सा विलाग बना रहा है जिसमें उसने एक छोटा सा गरीबाना हाइकिंग की। तो चलिए देख के आप लोग को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। वो हम नीचे से तो काफ़ी रास्ता तय कर लिया है और बाकी रहता है हमने इस पहाड़ पे जाना है उधर साइड पे, फिर आपको मैं व्यू दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगर कोई आना चाहता हो तो ये पहाड़ लंडीकोतल के गुलाब ग्राउंड में है और इससे पूरा लंडीकोतल और ततारा ग्राउंड भी नज़र आते हैं। और बहुत ही कोशिश के बाद आपका भाई ऊपर तक पहुंच गया है अल्लाह की मदद से। तो आप लोग को व्यू दिखाता हूँ। तो सीन्स कुछ ऐसे कि जस्ट वॉच द व्यू एंड इसके बाद भाई की ज़रूरी बात, ख़ासकर टिकटॉक वालों के लिए जो मेरे साथ अकाउंट में इतने लोग हैं और मैं उन तक ये पैगाम पहुंचा दूँ ताकि वो मेरे यूट्यूब पे आ जाए और मुझे और हौसला दे। तो गाइस बहुत ही मेहनत होती है आप लोग के लिए व्लॉग्स बनाने में और अच्छी वीडियोस बनाने में, तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। और सारे मेरे दोस्त जो मेरे साथ ऐड है अकाउंट में, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देख लीजिएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मुझे। एंड थैंक यू, और हमेशा ऐसा प्यार देते रहना। थैंक यू ऑल। इस जगह के बाद हम पहाड़ की दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगे जहाँ पे पूरा लंडीकोतल का बाजार और इलाके नज़र आते हैं। तो आइए आप लोग को वो भी दिखा दूँ। और मैं तो ऐसे बैठा हूँ जैसे ऑफिस में बैठे हैं। बहरहाल मैं पहुँच गया हूँ पहाड़ के दूसरे हिस्से पे और देख सकते हो आप पीछे सारा लंडीकोतल का चौक बाजार जिसे कहते हैं वो भी नज़र आता है, आर्मी कैंप भी नज़र आ रहा है और नीचे गुलाब ग्राउंड भी नज़र आ रहा है। और अगर कोई आना चाहता है, कम टाइम लगता है, 12 मिनट भी नहीं लगते हाइक करने में और बहुत सुकून की जगह है। और यहाँ पे बैठ के जो नज़ारा आपको मिलेगा वो तो मैं कैमरे में बयान नहीं कर सकता। अलबत्त अगर आप खुद आओ और ख़ुद महसूस कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वरना फिरते रहना उधर इधर कोई बात नहीं, वैसे भी करंट आए ने। और ये है साफ सुथरा वापसी का रोड। उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगा और अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना आसान है इस पे उतरना। अब मगरिब की अजान होने वाली है और टाइम लेट है, तो हमने वापस उतरने का अमल शुरू कर दिया है। तो
इसके बाद हम नीचे उतरेंगे और नमाज पढ़ेंगे और फिर घर जाएंगे। और आखिर में हमने कुछ फोटोज़ भी कैप्चर किए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। Now time to say goodbye. अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।